अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चीजी समोसा। चिकन चीजी समोसा बहुत आसान रेसिपी है, एक इजी स्नैक्स है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं, कोई भी मेहमान आपके घर आ जाए तब भी बना सकते हैं। रमजान के इफ्तारी में भी ये परफेक्ट स्नैक्स रेसिपी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन चीजी समोसे की रेसिपी। समोसा बनाने के लिए पहले हम एक समोसे का डो बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे को लिया है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी नमक, 3 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल को डालूंगी। अब इसका हम एक टाइट डो बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं, थोड़ा टाइट डो इसे बना लेंगे। ये देखिए मैंने आटे को गूंद लिया है, अच्छा टाइट डो बना लिया है मैंने। इसे अब हम थोड़ा भीगने के लिए छोड़ेंगे। आटा हमारा भीग जाए तब तक हम फिलिंग को बना लेंगे। मैंने 100 ग्राम के करीब चिकन को नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया था। उसे मैंने इस तरह से रेशे इसके चिकन के रेशे बना लिए हैं। अब इसे हम डालेंगे एक बोल में। एक मीडियम साइज के टमाटर को उसका पल्प यानी बीज निकालकर मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को हम डालेंगे। एक मीडियम साइज के शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उसे भी हम चिकन में डाल लेंगे। एक प्याज को, मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी हम चिकन में डालेंगे। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मोजरेला चीज को लिया है, उसे भी हम चिकन में डालेंगे। आप चाहे तो और दूसरा चीज भी ले सकते हैं। अब चिकन में डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक को बारीक पीसेस में चॉप कर लिया है, उसे भी हम चिकन में डाल देंगे। मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त नमक को डाल लिया था। अब हम और इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं उसके हिसाब से थोड़ा नमक को मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस, इन सबको मिलाकर एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। मैंने समोसे के फिलिंग को बना लिया है। आप इस तरह से फिलिंग को बनाकर 7 से 8 दिन फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप जब चाहे निकाल कर समोसा बना सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला था, यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाले को डाल लिया है। मैंने आटे को अच्छे से सॉफ्ट बना लिया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं, मैंने ज्यादा छोटे भी नहीं बनाए हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं बनाए हैं, एक मीडियम साइज के पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। सूखे आटे को मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कर लिया है, अब इसे हम बेलेंगे। ज्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। देखिए मैंने पत्ते को बेल लिया है, यहाँ पर मैंने ज्यादा बड़ा भी नहीं किया है पत्ते को, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का पत्ता बना लिया है और मैं यहाँ पर ज्यादा पतला नहीं बेली हूँ। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे।
इस तरह से हमें एक पॉकेट बना लेना है। यहाँ पर हमें थोड़ा पानी लगाकर प्रेस कर लेना है ताकि हमारे समोसे चिपक कर रहे। देखिए इस तरह से हमें एक पुड़िया बना लेना है। अब इसमें हम हमारे समोसे की फिलिंग को डालेंगे। इस तरह से किनारों को दबा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी अच्छे से प्रेस कर लिया है, यहाँ पर भी किनारों पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसी तरह हम सारे समोसों को बना लेंगे। आप समोसे के पॉकेट को इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसे मोड़ लिया, यहाँ पर हल्के से प्रेस किया, थोड़ा पानी या तो आप मैदे की स्लरी बनाकर भी चिपका सकते हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ पर किनारे पे प्रेस कर लेंगे। हमारे पॉकेट बनकर तैयार है। इसमें फिलिंग डाल लेंगे, इस तरह किनारों पे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे हम एक एक करके समोसों को ऑयल में डालेंगे। समोसों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे। ज्यादा तेज फ्लेम हमें नहीं रखना है क्योंकि हमारे समोसे जल जाएंगे। हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए समोसों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप चिकन चीजी समोसों को बाजार में मिलने वाले स्ट्रिप में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारे चिकन चीजी समोसे बनकर तैयार हैं, बहुत ही मजेदार। देखिए किस, देखिए ऊपर से बहुत क्रंची हो गए हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट। आप मेरी रेसिपी को एक कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे चिकन चीजी समोसे, ये देखिए। एक बार जरूर ट्राई करें। मेरे चैनल पे आलू पनीर समोसे की रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी रेसिपी को आप लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे फिर एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।